व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं पर बिना मनी यूज़ किए, यानी कि डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दो आदमी हैं, एक आदमी के पास वीट है और एक आदमी के पास मिल्क है। जिस आदमी के पास वीट है उसे मिल्क की ज़रूरत है और जिस आदमी के पास मिल्क है उसे वीट की ज़रूरत है। तो इस केस में ये दोनों व्यक्ति वीट और मिल्क का एक्सचेंज कर सकते हैं बिना मनी यूज़ किए। दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। उनमें से जो मेन ड्रॉबैक है वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स? इन अ बार्टर सिस्टम बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। इसका मतलब क्या है, आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, वो वीट बेचना चाहता है और मिल्क खरीदना चाहता है। तो वो मार्केट में गया, उसे एक व्यक्ति मिला, उसने कहा आई वॉन्ट टू बाई वीट बट आई डोंट हैव मिल्क। मैं गेहूँ खरीदना तो चाहता हूँ पर मेरे पास मिल्क नहीं है। तो इस केस में बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं है। फिर वो दूसरे इंसान के पास गया, उसने कहा आई हैव मिल्क बट आई डोंट वॉन्ट वीट। मेरे पास मिल्क तो है पर मुझे वीट नहीं चाहिए। तो इस केस में भी बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं है। तो वो तीसरे इंसान के पास गया, तीसरा इंसान उसे ऐसा मिला जिसे मिल्क बेचना था और वीट खरीदना था। तो इस केस में बार्टर सिस्टम पॉसिबल है। तो आपने देखा पहले दो केस में बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं था, उसका कारण था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। इस प्रॉब्लम का अंत कैसे हुआ? इस प्रॉब्लम का अंत हुआ मनी के कारण। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।